का नाम क्या है? बीके जुगल फ्रॉम बीपुरिया। बीके जुगल, जुगल भाई फ्रॉम बीपुरिया। मैं बीके सुबल भाई हूँ और मेरा घर ढिकियाजुली में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कितने बजे आए? हम करीब करीब 10:30 बजे पहुंचे। अच्छा, वहाँ पर कितने भाई बहन? भाई बहन तो काफी सारे हैं, आज यहाँ अटेंड करने आए कम से कम 35 भाई तो होगा, भाई और बहन मिलाकर 35। और बहन जी भी आई होगी? हाँ। और ज्ञान में आपको कितना साल हो गया? मैं ज्ञान में 5 साल हो गया। हाँ, और 5 साल से मैं रेगुलर मुरली तो सुनता ही हूँ और सुबह मेडिटेशन भी करता हूँ। और ऐसा है कि जब से ज्ञान में आया हूँ उसके बाद बहुत कम ही चांस है जब मैं मुरली नहीं सुन पाया हूँ। कोई इमरजेंसी के लिए कहीं अगर बाहर गया या कोई ऐसा कुछ असुविधा हुआ तो कभी खोटी हुआ है, लेकिन बहुत कम। जैसे इस साल में मेरा सिर्फ एक दिन ही मुरली छूटा है, तो उसके लिए मैं अभी भी दुखी हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। बाबा के प्रति जो प्रेम प्यार है ये साबित होता है कि आप मुरली सुनते हैं? हाँ, वो तो बाबा के प्रति तो सभी का प्यार है, लेकिन मुरली सुनने का टाइम मिलाना यह भी बाबा को थैंक यू है, क्योंकि बाबा कम से कम हमको ऐसा टाइम मिला कर दिया कि हम मुरली सुनने जाते हैं, इसके लिए भी बाबा को ही थैंक्स। लोकी क्या करते हैं काम? नहीं, मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है, हार्डवेयर का बिजनेस है। बिजनेस में तो बहुत टाइम देना पड़ता है आपको, समय निकाल लेते हैं? हाँ, टाइम तो देते ही है, पर यह बात है कि इसमें तो कोई टाइम नहीं चाहिए ना भगवान के लिए। आप काम करते हुए भी भगवान को याद कर सकते हो, और सुबह से अगर शाम तक टाइम अगर हर चीज़ का फिक्स हो तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं है। सर, तो दुकान तो 9-10 बजे खुलता है और मुरली तो सुबह ही? दुकान हम जल्दी खोलते हैं, 8 बजे करीब हम खोल लेते हैं, लेकिन यह बात है सुबह पहले भक्ति में थे तभी तो भगवान के पास 1 घंटा बैठते ही थे ना, पूजा करते थे, तो अब तो ज्ञान सुनते हैं। वो तो बात सही है। अभी आपको घर में कोई सभी चलते हैं ना क्या? हाँ, घर में सभी चलते हैं। मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी हैं और मेरी वाइफ है और एक बच्ची है। बच्ची जो पढ़ाई कर रही है यूनिवर्सिटी में, वो भी ज्ञान में ही है, पर उनको क्या हॉस्टल में रहना पड़ता है ना, तो खाने पीने का थोड़ा ही शुद्धता कम है। बाकी हमारे घर में सब ब्रह्म भोजन ही बनता है, तो हम सब ब्रह्म। बहुत बढ़िया, काफ़ी मिलेगा खाने के लिए। और ऐसे क्या है कि भक्ति में था ना, तभी मैं भागवत गीता जैसे आप हिंदी, जैसे आप रामायण, जैसे रामचरित्र मानस तुलसीदास का, आसामीज का माधव कंदली का रामायण और कीर्तिवासी रामायण, ये सब मैं पढ़ चुका हूँ। और गीता भी पढ़ता था और भागवत का भी मेरा कुछ ज्ञान था। तो जब बाबा मिला, बाबा मिलने के बाद में सच को ज़्यादा जान गया और बाबा बता दिया सच क्या है, उसके बाद में कुछ अनुभव, जैसे जैसे अनुभव हुआ वैसे वैसे भक्ति छूटती गई और ज्ञान में मैं गहराई में चलता गया। अब मज़ा आता है, जिंदगी जीने का ये मज़ा है और बहुत अच्छा लगता है। ये तेरता युग से जब हम द्वापर में प्रवेश करते हैं तो फिर हम लोग आत्मज्ञानी से देह का ज्ञान में चले जाते हैं, जिसको नेगेटिव बोला जाता है। जैसे सत्य है और तेरता है पॉजिटिव, तो फिर पॉजिटिव से हम लोग नेगेटिव, मतलब रात्रि में हम प्रवेश करते हैं तो अज्ञानी होते हैं। तो अज्ञानी होते होते हम लोग जो कर्म करते हैं, जो देवी देवता जो चीज छोड़ दिया उसको हम लोग अपना लिया। देवी देवता लोग क्या छोड़ा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये छोड़, ये चीज छोड़ लिया, छोड़कर देवी देवता बनी। फिर हम लोग इधर द्वापर से उसको लेना चालू कर दिया। लेना चालू करते करते जब कलयुग का लास्ट भी महाभारत युद्ध के सामने जब आकर हम पहुंचे, सत्य युग का शब्द आने वाला है, उसी समय परमात्मा आकर फिर हम लोग को सोए हुए को जगाते हैं, तो उसी को बोला जाता है गीता। जैसे छोटा बच्चा को गीत गाकर सुलाते हैं तो भगवान जगाते हैं, उसको बोला जाता है गीता।
तो आकर भगवान फिर हमको जगा रहे हैं कि जागो, उठो और अपने को संभालो। तुम ही थे देवी देवता जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छूटे हुए साफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे, और अभी तुम वो गंदगी में डूब गए हो। तो अभी ज्ञान रूपी धुलाई से, गंगा जल से, ज्ञान गंगा जल से स्नान करो, आत्मा को स्नान कराओ, और स्नान कराते कराते पूरा पवित्र बनो, सतयुग में जाने लायक बनो। और जब जाने लायक हम बन जाएंगे तभी विश्व का परिवर्तन होगा, और उसी के लिए सब चारों तरफ से तैयारी हो रही है। तैयारी कैसे कि ब्रह्मास्त्र अग्नि 5000 साल पहले जो अस्त्र बना हुआ था वही अस्त्र बना हुआ है, वही तृतीय विश्व युद्ध सामने खड़ा है। और इधर आसाम में देखो या उत्तर पूर्वांचल में उनको डैम बना हुआ है सफाई करने के लिए, बड़ा बड़ा पानी का डैम, सब साफ होंगे, साफ होकर जाएंगे, फिर धरती सुंदर होगी, उसमें फिर नया से फलेंगे फूलेंगे और देवी देवताओं का राज्य होगा। तो स्वर्णिम दुनिया को हम लोग बोलते हैं, भारत सोने की चिड़िया था, तो वो सोने की चिड़िया होने जा रही है। और धीरे धीरे छोटे छोटे नेताओं से बड़े बड़े नेताओं को और ब्रह्म कुमारी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि पट परिवर्तन का यह समय है। तो सत्य फिर आने वाला है, सत्य आने वाला है मतलब सत्य युग फिर आने वाला है। अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, करना तो ये क्या चाहिए, यही बात है। जो बाबा जो मुरली सुनाते हैं उस मुरली को सुनो, और योग जो राजयोग है उसको अपनाओ। जो राजयोग जितना अपनाएंगे, जितनों को खुद को आत्मा के साथ परमात्मा, आत्मा के साथ परमात्मा के साथ जितना योग लगाएंगे उतना ही अवगुण खत्म होते जाएगा। सद्गुणों से, मुरली से सद्गुण भरते रहिए, तो योग से अवगुण को खत्म करते रहिए। तो इधर खत्म करना और उधर सद्गुणों को आवाहन करना, तो इससे हम भरपूर होंगे। फिर सतयुग में जब जाने लायक बनेंगे तभी हम शरीर छूटेगा हमारा, और फिर नया शरीर जब मिलेगा सतयुग में मिलेगा, है ना, जहाँ स्वर्णिम दुनिया होगी, भारत का बुलबुला रहेगा, भारत का झंडा वहाँ लहराएगा, तो भारत फिर भरपूर बनेगा, है ना। तो भरपूर कब बनेगा? पहले हम भरपूर बने गुणों ज्ञानों से, फिर भारत बनेगा, फिर विश्व बनेगा, समझेंगे। तो ये स्वर्णिम दुनिया के ओर हम लोग जा रहे हैं। अभी तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये जैसे कि माहौल बहुत बढ़िया है, खूब सुंदर माहौल है और आने के बाद आपको ऐसा लग रहा है अपना अपना ही राज्य है, अपना ही सब लोग साथी सब अपना ही है, सब एकदम भाईचारा है। तो ये सब माने ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद आपको कैसा महसूस हो? नहीं, ब्रह्म कुमारी के आने के बाद जो ज्ञान है, ज्ञान क्या चीज है इसको मालूम चला। पहले तो हम समझते थे जो किताबों में लिखा हुआ है उसको याद कर लो वही ज्ञान है, पर अब जब पता चला है जो हम ज्ञान समझते थे वो बहुत गहराई है, है ना। जैसे समुद्र के ऊपर आप चलो तो वहां क्या मिलेगा? मरे हुए जीव जंतु का हार्ड मांस मिलेगा, पर आप जब नीचे जाओगे तो मोती मिलेगा ना। तो गहराई में जैसे ज्ञान जाएंगे तो मोती मिलता है। जैसे हम सर्कल बनाते हैं ना छोटा छोटा, जैसे सोमवार से फिर सोमवार आता है, रविवार से फिर रविवार आता है, या बड़ा सर्कल करो तो जनवरी के बाद जनवरी आता है, वैसे ही 5000 साल के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर कली से फिर सतयुग आना है, या 5000 साल का कल्प है। तो जब सर्कल होगा तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी रिपीट होगा। तो हम आपसे 5000 साल पहले ऐसे ही ऐसे बात किए थे, यही माहौल में इसी पेड़ के नीचे आज फिर कर रहे हैं। तो ये तो पता ही है, यहाँ जो आए हैं जिसको हम देख रहे हैं सभी से 5000 साल पहले मिले, तो नथिंग न्यू, ये तो कोई नई बात है ही नहीं, नहीं तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो फिर हम उस दुनिया के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब अच्छा दिखता है सामने तो अच्छा ही लगता है, सामने अच्छा ही दिखा रहे हैं ना, दुनिया देख रही है सामने खराब आ रहा है, दुनिया खत्म होने वाला है दुनिया, तो हम खत्म होने वाले नहीं, खत्म के साथ साथ एक नई दुनिया आने वाली है जहाँ सुख शांति चैन सब कुछ हो, तो उस दुनिया में हम जाने वाले हैं। तो खुशी, लोगों को तो ज्ञान पसंद ही नहीं आता है, लोग ज्ञान सुनना पसंद ही नहीं करते। देखिए महाभारत में भी सब ज्ञान है, महाभारत में जैसे हमारे है ना, तो 100 है कौरव पक्ष और 5 है पांडव पक्ष, तो 105 में से 5 ही भगवान कृष्ण जी को पास दिखाते हैं, मतलब कृष्ण जी भगवान मानते हैं तो कृष्ण जी का पास दिखवाते हैं, तो उनको तो पता नहीं है ना भाई भगवान है परमात्मा निराकार। तो 105 में से 5 ही थोड़ा बहुत सुनेंगे,
उसमें भी पक्का कौन होंगे? एक युधिष्ठिर को दिखाया ना, युद्ध में स्थिर, जो बहुत आने के बाद में भी घबराते नहीं है, जाने के बाद में भी घबराते नहीं है, एक रस जो रहते हैं वही युधिष्ठिर। तो एक ही होगा ना, 105 में से एक ही आदमी भगवान का प्यारा होगा, एकदम प्यारा, जो 100% राइट चलेगा, समझेंगे। तो आपका तो बहुत ज्ञान अभी मालूम पड़ा हमको, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, 5 साल में इतने सारे बार गए पूरा बाबा का। ऐसा बात नहीं है, वो बाबा का बात है ना, कि हम जब अमृत दिले करते हैं ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है, हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त है 24 घंटा, जहाँ से आरंभ होता है उसी को ब्रह्म बोला जाता है, ब्रह्म से आरंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त मतलब वहां से 24 घंटा आरंभ हुआ है ना। तो जैसे हम लोग शब्द ब्रह्म बोलते हैं, शब्द ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ, जैसे हम लोग तो बीमार, बीमार मतलब मारने से हम लोग को तकलीफ होता है, बीमार बिना मारे जिसको तकलीफ हो वो होगा बीमार, तो शब्द ब्रह्म है ना। तो हर शब्द बाबा जो बोलते हैं उसको अगर आप एनालिसिस करो, तोड़ मोड़ कर देखो, तो फिर आप गहराई तक जा सकेंगे इसका अर्थ क्या है, अर्थ सही जानना हो तो वही। तो वो हम जब ब्रह्म मुहूर्त मॉर्निंग, जब सूरज उगने से पहले 3:30 बजे के आसपास जब हम बाबा से योग लगाते हैं, तो योग लगाने के बाद अपने आप अंदर में ज्ञान आता है, जो बाबा मुरली सुनाते हैं उसको हम लोग एनालिसिस करके ऐसा लगता है कि वह नया नया पॉइंट आते जाता है, तो उसी को बोला जाता है अतीन्द्रिय सुख, जो गोप गोपिकाएं का बोलते ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपिका को पूछो। तो गोप गोपिका क्या है, गोप मतलब क्या, गो मतलब क्या, गो मतलब ज्ञान, पाल मतलब पालन करना, तो गोपाल मतलब ज्ञान को पालन करना, और हम लोग समझते हैं गो मतलब गाय और गाय को पालन करना है ना, तो गाय को पालन करना गोपाल नहीं है, ज्ञान को पालन जो किया वो गोपाल है, समझेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड इज गुड एंड गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर है सत्य और ईश्वर है सुंदर, तो हम क्या बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, कृष्ण क्या है, श्याम और सुंदर, तो वो सतयुग और त्रेता में सुंदर थे, द्वापर और कली में श्याम बने, फिर सुंदर बनते हैं, तो वो जन्म मरण में आते हैं, तो जो जन्म मरण में, तो गीता में बोला है मैं अजन्मा अविनाशी जन्म मृत्यु रहित हूँ, अजन्मा हूँ अविनाशी हूँ जन्म मृत्यु रहित हूँ, तो जन्म मृत्यु रहित कौन हो सकता है, परमात्मा, क्योंकि वो जन्म मृत्यु में आते नहीं है, तो कृष्ण जी का जन्म भी होता है, उनका मृत्यु भी दिखाई गया है, तो वो तो भगवान नहीं है, पर हाँ भगवान समान है, क्योंकि 16 कला संपन्न है, वो भी बहुत भारी चीज है, वो हमारी आइकॉन है, वैसा हमको बनना है, हम उनकी दुनिया में उनके साथ अगर जन्म लेना चाहते हैं तो उनके जैसा 16 कला बनना है, 16 कला मतलब 100%, जैसे 16 आना में क्या होता है, 1 रुपया, 1 रुपया मतलब 100%, 100% बैटरी चार्ज, जब हम होंगे तब 16 कला संपन्न होंगे, तब वहां आने लायक होंगे सतयुग की नई दुनिया में 16 कला, फिर हम लोग होंगे 14 कला मतलब 2 कला कम, और फिर धीरे धीरे कला कम कर फिर कला खत्म होगी, फिर वापिस हम 16 कला बनेंगे, तो ये सर्कल का, ये सर्कल में आने जाने के बात है, तो ये कोई जरूरी भी नहीं है सब आदमी को ये ज्ञान मिले, क्योंकि सब तो सतयुग में आएंगे नहीं, 9 लाख की दुनिया होगी ना, तो 9 लाख का हिसाब भी अभी भी चलता है भारत में, आप कश्मीर में जाइए एक मंदिर है वहां 9 लाख ये शालिग्रामों का पूजा होता है, हरदम धुलाई होता है 9 लाख शालिग्राम, शालिग्राम मतलब आत्मा, तो कृष्ण का डबल पूजा होता है, एक तो शालिग्राम का पूजा और दूसरा पूजा है उनका मूर्ति का ना, तो कृष्ण का पूजा डबल होता है, शिव का पूजा एक ही होता है, क्योंकि उसका लिंग ज्योतिर्लिंग, ज्योति मतलब लाइट ना, तो शिव का पूजा एक ही होता है, और शिव का ई हटा देने से क्या बनता है, सौ ना, तो शिव का नाम के आगे ही ईश्वर लगता है, जैसे महाकालेश्वर, त्रिंबकेश्वर ना, विश्वनाथ, और वो क्या है, वैद्यनाथ, वैद्यनाथ मतलब वैद्य मतलब डॉक्टर, डॉक्टर क्या होता है, स्वास्थ्य को ठीक करता है, पर आत्मा का डॉक्टर कौन है, परमात्मा, तो वो आके आत्मा का दवाई देकर आत्मा को ठीक करता है, आत्मा की बीमारियों को ठीक करता है, तो इसीलिए उसका नाम है वैद्यनाथ। तो शिव का अगर जो नाम है, उन नामों का जो कर्तव्यवाचक नाम है, उस नामों का अगर हम विश्लेषण करें तो परमात्मा का अर्थ हम समझ जाएंगे, तो शिव ही परमात्मा है, जो उसको मुसलमान बोलता है खुदा, खुद मतलब अपने आप आमने आना, और हम बोलते हैं स्वयंभू मतलब अपने आप प्रकट होना, समझेंगे, खुदा शिव और नटराज, 60 रूपी नाटक का जो राज जानते हैं वही नटराज है ना, है ना, तो नटराज क्या होता है, राज जाने वाला जो राइटर होता है ना, तो वो कभी स्टेज पर नहीं आता, वो नाटक खत्म होने से पहले घोषणा ही करता है नाटक खत्म होने वाला है, और एक दृश्य के बाद, 2 दृश्य के बाद नाटक खत्म होने वाला है, खुद को सुधार लो, मतलब नाटक खत्म होने वाला है, आप अच्छा से देखो, है ना,
तो फिर यही भगवान आकर बोलते हैं कि एक दृश्य बाकी है, खत्म होने वाला नाटक, सो सुधार लो, सतयुग में अगर जाना है, नया जन्म लेना है तो सुधार लो। और यह पूरा सृष्टि का जो 5000 साल का राज समझाता है, कैसे ये दुनिया आती है, कैसे जाती है, कैसे चलती है दुनिया, तो आदि मध्य अंत का राज बनाते हैं, इसलिए उसको नाम बोलता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिनयन, शिव को बोला जाता है त्रिनयन, तृतीय नेत्र, थर्ड आई, है ना। तो ये राइट एंड लेफ्ट, राइट मतलब क्या, सही, और लेफ्ट मतलब क्या, सही होने के लिए गलत को छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ने का अंग्रेजी है लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट को छोड़ो और सही को पकड़ो, जो है थर्ड आई, तृतीय नेत्र, ज्ञान नेत्र। तो पहले 2500 साल हम लोग सनातन बनकर रहते, सनातन मतलब आत्मज्ञान, तो उसमें क्या होता है, जैसे सूर्य दिन में एक सूर्य ही होता है, तारों की नहीं रहती है, उसी हिसाब से एक धर्म, एक राष्ट्र, एक भाषा, तो एक धर्म क्या था, सनातन, देवी देवताओं का धर्म, एक राष्ट्र भारत था, और एक भाषा हिंदी, हिंदी मतलब वही देवनागरी, देवनागरी मतलब हम लोग नागरिक देवता थे, और वो लोग की जो भाषा यूज करते थे उसी को बोला जाता है देवनागरी। ओम शांति, ओम शांति।